अल्मोड़ा स्पेन के हुलेबा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले भारत के उभरते हुए युवा बैडमिंटन खिलाड़ी का उनके गृह नगर अल्मोड़ा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। शहर में खेल प्रेमियों के अलावा तमाम राजनीतिक व सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने लक्ष्य का अल्मोड़ा पहुंचने पर ढोल नगाड़ों और फूल मालाएं पहनाकर स्वागत कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अल्मोड़ा से सोनू सिजवाली की रिपोर्ट। जी सबको धन्यवाद है और सबको मेरा नमस्ते, जिनने भी प्यार दिया और आप सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से मैं आज ये जीत पाया। आगे का क्या लक्ष्य रखा है? जी आगे काफी और टूर्नामेंट्स हैं, अगले साल कॉमनवेल्थ गेम्स है जैसे और एशियन गेम्स है, तो मैं वो चाहूंगा कि उनमें भी मेडल जीतूं। मतलब लक्ष्य को और मिल रहा है तो डेफिनेटली वो इससे मोटिवेट होगा और आने वाले समय में वो और अच्छा प्रदर्शन करेगा और उत्तराखंड का और भारत का नाम रोशन करेगा। 18 तारीख को मेडल पक्का हो गया था जिस दिन वो क्वार्टर फाइनल अपना जीता था, 21 को मेडल सेरेमनी हुई है उसकी, लेकिन हमें उतने दिन के बाद आज लग रहा है कि वो मेडल लेके आया है। सच में रियल मेडल उसका लग रहा है कि वो आज हमें मिला है। अपने जनपद में आकर के जो प्यार जो सम्मान यहाँ मिल रहा है उससे मैं भावुक हो रही हूँ। मैं बिल्कुल दो इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं बोल पाऊँगी सर। थैंक यू।